नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता गर्ग। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों पर। देश के कई राज्यों में डेंगू बना खतरा, डॉक्टरों की सलाह सतर्क रहें और हल्के बुखार में ही कराएं जांच। पाकिस्तान की शह पर जम्मू कश्मीर के माहौल में बिगड़ने की कोशिश, लेकिन हिम्मत से निपटेंगे डीप जेपी। सीमा प्रहरियों ने पेश की मिसाल, दुर्घटना में घायल महिला को सही समय पर अस्पताल पहुंचाकर बचाई जान। कांग्रेस का आरोप, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने पूर्व पीएम मनमोहन सिंह से निजता का किया हनन। किसान आंदोलन के पीछे अराजकतावादियों को बेनकाब करने की जरूरत, देश को हो रहा बड़ा नुकसान। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बताई विकास में श्रीराम के आदर्श की महत्ता, कहा उसी राह पर चलकर छू रहे उत्कर्ष। यूपी कांग्रेस कमेटी का विस्तार, पीएल पुनिया को चुनाव अभियान की कमान, विभिन्न समितियां भी गठित। कांग्रेस समेत कई दलों के नेता समाजवादी पार्टी में शामिल, अखिलेश यादव के नेतृत्व पर जताया विश्वास। लखनऊ पॉलिटेक्निक की जमीन पर कब्जे की तैयारी, प्रधानाचार्य ने लगाई मुख्यमंत्री से लेकर प्राविधिक शिक्षा मंत्री से तक गुहार। लखनऊ के पीएम और गृह मंत्री का पुतला फूंकने पर किसान मोर्चा से 7 लोग गिरफ्तार, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की बर्खास्तगी की कर रहे थे मांग। बांग्लादेश में फिर हिंदू धर्म स्थल पर हमला, भीड़ ने इस्कॉन मंदिर में की तोड़फोड़, श्रद्धालुओं की हालत गंभीर। ब्रिटेन में एक लैब की भयानक गलती पड़ी भारी, जांच में 43,000 लोगों को बताया संक्रमित। तालिबान की हिमाकत, काबुल के गुरुद्वारे में घुसे भारी हथियारों से लैस इस्लामिक अमीरता की अधिकारी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारतवंशी रवि चौधरी के पेंटागन में अहम पद पर नामित किया। कंधार के शिया मस्जिद में विस्फोट की इस्लामिक स्टेट ने ली जिम्मेदारी, 60 से अधिक की मौत। भारत के पूर्व कप्तान का सौराष्ट्र के रणजी क्रिकेटर अवि बरोट का 20 साल की उम्र में निधन, इसी साल ठोका था T20 में शतक। टीम इंडिया का हेड कोच बनने के लिए राहुल द्रविड़ ने भरी हामी, द्रविड़ को मिलेगा 10 करोड़ रुपए सालाना वेतन। धोनी के धुरंधरों ने आईपीएल खिताब पर कब्जा जमाया, चेन्नई चौथी बार बनी चैंपियन। मैदान पर धोनी, स्टैंड में बेटी जीवा कर रही थी सीएसके को चीयर, साक्षी ने शेयर किया प्यारा सा वीडियो। ऋतुराज गायकवाड ने ऑरेंज कैप जीत कर रचा इतिहास, विराट कोहली को भी छोड़ा पीछे। आदित्य राय कपूर ने शुरू की थ्रिलर फिल्म थाडम की हिंदी रिमेक की शूटिंग, फिल्म में आदित्य राय कपूर पहली बार डबल रोल में आएंगे नजर। दशहरा ऋतिक के लिए बना स्पेशल, विक्रम वेदा की शूटिंग शुरू हुई है, फिल्म 2017 में रिलीज हुई एक तमिल फिल्म की है ये रिमेक। अदाकारा बेगम फारूक जाफर का निधन, गुलाबो सितापो में फतिमा बेगम का निभाया था किरदार। रोजी द सैफरन चैप्टर की रिलीज डेट का हुआ ऐलान, अगले साल जनवरी में थिएटर में देगी दस्तक। के
केबीसी के स्टेज पर आई शोले की दूसरी बसंती, जिसे देखकर हेमा मालिनी भी हॉट सीट से खड़ी हो गई। पांच मिनट में 25 बड़ी खबरों में बस इतना ही, और देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।